बॉलीवुड के दमदार अभिनेता सलमान खान के भाई और अभिनेता सोहेल खान अभी हाल ही में अपनी पत्नी सीमा सचदेहा से 24 साल बाद अलग हुए। इन दोनों ने साल 1998 में शादी रचाई थी। शादी के 24 साल बाद कोर्ट में तलाक के लिए इन्होंने अर्जी दी है। जब से दोनों की अलग होने की खबरें मीडिया में आई है, तभी से यह दोनों सुर्खियों में बने हैं, क्योंकि हर कोई इन दोनों के डिवोर्स की वजह जानना चाहता है। इसी बीच सोहेल खान की एक्स वाइफ सीमा सचदेहा ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें सीमा ने अपने तलाक को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने तलाक के कारण से पर्दा उठाया है। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि सीमा ने आखिर डिवोर्स की बात पर क्या कहा। 24 साल बाद तलाक लेने के ऊपर सीमा सचदेहा ने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में उस मुकाम पर पहुंच गई हूं, जहां मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, इसलिए मैंने दूसरे रास्ते को चुना जो मुझे सही लगा। अब मैंने अपनी जिंदगी को एक पॉजिटिव नजरिए से देखना शुरू कर दिया है। दोस्तों, सोहेल खान से पहले उनके भाई अरबाज खान का डिवोर्स हो चुका है, जहां अरबाज खान और मलाइका का साल 2017 में तलाक हुआ था। इसके बाद से ही दोनों ने अभी तक शादी नहीं की। हालांकि दोनों के अफेयर की चर्चाएं आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। तो दोस्तों, आपको सोहेल और सीमा के डिवोर्स की वजह जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।